हेलो ऑल, प्रिया हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्सक्वाड्स। आज हम देखने वाले हैं कि आप अपने लैपटॉप या पीसी को डिजिटल बोर्ड से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप टीचिंग कर रहे हो, प्रेजेंटेशंस दे रहे हो या अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, ये सेटअप आपके सेशन को स्मूथ और इंटरेक्टिव बना देगा। इसके लिए आपको तीन चीज़ों की नीड रहेगी। फर्स्ट लैपटॉप, सेकेंड HDMI केबल एंड थर्ड डिजिटल बोर्ड। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यह है HDMI केबल, इसके दो पोर्ट्स हैं। इसका एक पोर्ट लगेगा डिजिटल बोर्ड में और सेकंड वाला लगेगा लैपटॉप में। जैसे कि आप डिजिटल बोर्ड में देख रहे हैं, इसका एक पोर्ट है, ये मैंने कनेक्ट किया और सेकंड वाला पोर्ट इसका लगेगा लैपटॉप में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा लैपटॉप डिजिटल बोर्ड से कनेक्ट हो गया है। जो मैं वर्क लैपटॉप में कर रही हूँ आपको डिजिटल बोर्ड पे दिख रहा होगा। जैसे कि आपने देखा कि मेरा लैपटॉप से डिजिटल बोर्ड तो कनेक्ट हो गया है, बट अगर मैं इसमें मूवमेंट करना चाहूँ तो वो मैं नहीं कर सकती हूँ। मूवमेंट करने के लिए आपको लगेगा टच केबल। टच केबल के थ्रू आप जो लैपटॉप में चला रहे हैं उसको यहाँ पर इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि टच केबल की हेल्प से हम कैसे इसको चला सकते हैं। ये टच केबल के पोर्ट्स, ये वाला पोर्ट लगेगा डिजिटल बोर्ड में और ये वाला पोर्ट लगेगा लैपटॉप में एंड दूसरा पोर्ट में लगा रही हूँ लैपटॉप में। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं इसे मूवमेंट कर सकती हूँ। अगर मुझे कोई वीडियो ओपन करना है तो मैं इसे ओपन भी कर सकती हूँ। तो ये था सिंपल प्रोसेस अपने लैपटॉप या पीसी से डिजिटल बोर्ड को कनेक्ट करने का। इसकी मदद से आप अपनी क्लासेस को इजीली नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।